हेलो यशवंत, आई एम यशवंत चौहान एंड आई एम टीचिंग यू पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने क्या क्या देखा है बेटा? एटॉमिक साइज और उसका ट्रेंड, टॉप टू बॉटम ये कैसे होता है, टॉप टू बॉटम इसका साइज, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। आयोनिक साइज का भी काफी वैसा ही ट्रेंड है, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो नए नए शेल्स ऐड होते हैं, उसकी वजह से साइज बढ़ता है और एक ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है बिकॉज उनकी वैलेंसी सेम होती है, इसलिए उनका आयोनिक साइज आप देखेंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उनका साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। अब कुछ लोगों को एक परेशानी है, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का, हाँ तो मैं वापस दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस समझ में नहीं आ रहे। तो बेटा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और पिछले साल और उसके पिछले साल दो साल कंटिन्यूअस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यानी नीट और जेडब्ल्यू में इसके क्वेश्चन आकर गए हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम क्या है इसका और ये क्या कैसे होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, दीज आर न्यूट्रल और आयोनिक स्पेसिस, दिस स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, कुछ लोगों के कल के क्वेश्चन पेपर में कामेश बोल रहा है कि हाँ, कामेश मैं आता हूं इस पॉइंट पे वापस एक बार। हाँ, द स्पेसिस हैविंग, इस लेक्चर के लास्ट में आप बोलिए मुझे, लास्ट 5 मिनट्स में हम इसको डील करते हैं उस चीज को, है ना। द स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। यानी बेटा अगर मैं फ्लोरिन लेता हूं और नियॉन लेता हूं, हाँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अब इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 9 हुए, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है उसमें 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। तो अगर मैंने फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एड कर दिया तो फ्लोरीन बन जाएगा -1, जब कोई एटम न्यूट्रल एटम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो फ्लोरीन बन गया -1। तो फ्लोरीन में पहले से 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 9+1 हो गया। यानी अगर फ्लोरीन -1 आप लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10, करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाएंगे 10। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को, हाँ। तो ये दोनों यानी फ्लोरीन -1 एंड नियॉन, इन दोनों को आप कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे इनको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब इन दोनों को आप कहेंगे, ये वाली पूरी चीज आप लिख के रखो, ये आपको काम में आने वाली है, इसको बाद में वन बाय वन एक एक पॉइंट हमको इसके फिनिश करने हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, आपको उसमें बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, और आपको एटॉमिक नंबर इसके लिए पता होना जरूरी है बिकॉज एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आएंगे किस स्पेसिस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम +1, देन कार्बन +4, कार्बन -4, देन नियॉन, देन मैग्नीशियम 2+, देन एल्यूमिनियम 3+, नाइट्रोजन 3-। इन स्पेसिस में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन कौन है, कैल्शियम 2+, देन पोटेशियम +1,
पोटेशियम प्लस वन फिर उसके बाद आएगा सीजियम प्लस वन, फ्रेंसियम प्लस वन, बेरियम प्लस टू, लिथियम प्लस वन, बेरिलियम प्लस टू, इनमें कौन कौन से स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो बोलो। हाँ आप मोबाइल में चार्जेस टाइप नहीं कर सकते तो डायरेक्ट ऐसे ऑक्सीजन माइनस टू ऐसे टाइप करो, या सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है? देखो यहां पर जो 10-10 इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज थे, इन 10 इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज को हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया टुगेदर, बिकॉज इन सभी के इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब Na+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक C4-, यानी नियॉन, नाइट्रोजन 3-, एल्यूमिनियम 3+, Mg2+, F-1। इनमें से किसी का भी पेयर जोड़ सकते हैं आप, है कि नहीं? इनमें से सभी को जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां तक आ गया, आप कैल्शियम का लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, प्लस टू चार्ज है का मतलब क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, और दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद टोटल बचे कितने, 18। यानी कैल्शियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। अब पोटेशियम प्लस वन दिया है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचे कितने, 18। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, यानी कैल्शियम 2+। हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैल्शियम 2+ एंड पोटेशियम प्लस वन बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ यशस्वी हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है आपके मोबाइल में, वो डेटा अपलोड नहीं हो पाता। श्रेया क्या बोल रही है, किसका आंसर 10 आता है, क्या बस वही आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे क्या? नहीं बेटा, हाँ यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 10 आते हैं तो सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इतने सभी एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें से कौन सा भी पेयर उठा के ले लो आप, ये सभी एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इनमें कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम प्लस टू एंड पोटेशियम प्लस वन, ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये इनके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, बिकॉज इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। हाँ वेरी गुड आंसर, सीजियम प्लस वन। अब सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी बोलो, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 55। वेरी गुड अनूप, 55 फटाफट बोल लिया इसने। तो इसमें से प्लस वन दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचे कितने, 54। 54 वाला यहां पर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, 54 इलेक्ट्रॉन्स वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा है, चलो इसको साइड में रखते हैं, अगर मिल गया बाद में तो जोड़ देंगे, इसको जोड़ी लगाओ। ठीक है, ये 54 हो गया। अब फ्रेंसियम, फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट बोलो, फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर 87, 87 होता है। हाँ यस वेरी गुड, कैसे डिसाइड किया आपने, सिद्धि, मृण्मयी, ऋतुजा, 87 कहां से निकाला आपने, लर्न किया हुआ है क्या इसका एटॉमिक नंबर आपने, या ट्रिक यूज की जो मैं बताई थी आपको? यस वेरी गुड अनिकेत, यस वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रिक यूज किया आप लोगों ने, कि 54 होता है, हली ना की रब से फरियाद। हाँ यहाँ पे लिख दो क्या, हाँ हीना नीना और करीना, झेलम में रवीना, है ना, ये एलिमेंट्स आपको दिए हैं। इन एलिमेंट्स को आपने क्या किया, एटॉमिक नंबर्स में अरेंज किया, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। क्यों ऐसे क्यों अरेंज किया, बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पता है, इनका डिफरेंस क्या आता है, इसका डिफरेंस दोनों का आता है 8, 8, 18, 18, 32, और नीचे भी आया तो 32, और उतना डिफरेंस अगर आपने ऊपर के एटॉमिक नंबर में ऐड कर दिया
तो नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है, और इसका अगर 54 है तो नेक्स्ट लाइन में इधर जो स्टार्ट हो रहा है उसका क्या होना चाहिए, 55, और वैसे ही निकाला हमने। इसका अगर 86 है तो नेक्स्ट लाइन में, यानी सिक्स्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, तो सेवेंथ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए, 87, बिकॉज ये 86 पे एंड हो रहा है पीरियडिक टेबल में। ऐसे हमने शॉर्टकट निकाला था और वो आपको आज बहुत काम में आ रहा है, बहुत काम में आ रहा है, मैजिक है ना। ओके, तो ये इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, बिकॉज इसका 54 आ रहा है। फ्रेंसियम, फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर 86 है, 87 है फ्रेंसियम का, तो 87 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 86 यहां, ओके। बेरिलियम, बेरियम, बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरियम का एटॉमिक नंबर बोलो जल्दी, अरे भूल गए क्या, बेरियम का, बेरियम, ओके ओके, 54 55 56। अब 56 के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस टू, का मतलब 54 में से 56 में से दो गए, बचा कितना, 54। यहां पर सीजियम प्लस वन आ रहा है 54 और बेरिलियम 2 प्लस आ रहा है 54। बेटा देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए कि नहीं, है ना, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए कि नहीं, हाँ, सीजियम प्लस वन एंड बेरियम प्लस टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे निकाला, अभी समझ में आया क्या सभी को कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आया है तो थंब दिखाओ। कुछ लोगों को ये अनक्लियर था और ये बहुत नुकसानदेह बात है कि जब आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती और आप पूछते नहीं है। कल ऐसे ही मुझे किसी का फोन आया और उसने बताया कि सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तब मुझे समझ में आया कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक वापस बताने की जरूरत है। तो आप ऐसे मत करो बेटा, वो टेंथ वाली आदत छोड़ दो, अभी 8th 9th 10th या जो स्कूलिंग एजुकेशन था उसमें आदत थी कि नहीं भी आया तो चुपचाप बैठो, सर गुस्सा करेंगे, सर को कैसे पूछ सकते हैं। इधर अगर वैसा एटीट्यूड रखेंगे आप तो आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे कंपटीशन में। आपको बताता हूँ मैं, जिन लोगों के रिजल्ट आते हैं ना, अच्छे वाले रिजल्ट आते हैं, जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग को अच्छे कॉलेजेस में लगते हैं, उन लोगों की खासियत होती है वो डाउट्स कभी खुद के पास नहीं रखते, वो सर को दे देते हैं फटाफट, या किताब में से ढूंढ के निकालते हैं। जब तक आंसर नहीं मिलता वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते या शांत नहीं बैठते। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी है आपकी। तो आपके अगर कोई चीज नहीं आ रही है, हाँ, अभी तक जितना पार्ट हुआ ना पीरियड टेबल का, अगर उसको वापस भी रिपीट करने की बारी आई तो मैं वो करने के लिए भी रेडी हूँ, और उसी के लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रखे हैं, ताकि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है या नहीं क्लिक हो रहा है जब आप स्टडी कर रहे हैं या एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आप वापस यूट्यूब खोलो और वो चैप्टर पढ़ लो, उतना जो सेक्शन था उसको पढ़ लो, और उसको सेक्शन वाइज मैंने वहां पे डाला हुआ है, तो आपको जंबलिंग भी नहीं होगा। ठीक है, रात में 3-3 बजे तक वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेहतरीन वीडियो दे सकूं। अब रिकॉर्डिंग ही उस दिन का जरा थोड़ा सा पुअर हो गया था, छोटा सा स्क्रीनशॉट दिख रहा था उसकी वजह से, लेकिन मैंने वैसे डाल दिया लेक्चर, वापस उसके लेक्चर में बना के डालूंगा हाई क्वालिटी में। ठीक है, अब इसको छोड़ दो। हाँ, ये लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 3 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, बचे कितने, 2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 4, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने, 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी लिथियम प्लस 1 एंड बेरिलियम प्लस 2, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट में आपको इसके बाद कभी भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं, ये हो गए एलिमेंट्स, अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स देता हूं, उस मॉलिक्यूल में भी आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे निकालना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिंपल सी बात है, इलेमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने लिखा N2, बेटा N2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फटाफट बोलो, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, हाँ, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, इलेमेंट्स का जनरली नहीं पूछते, बिकॉज इलेमेंट आपको, अभी आप प्राइमरी लेवल पे है तो इलेमेंट्स का दे रहा हूं आपको, लेकिन अभी हम मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स में कैसे होता है ना, कंपाउंड्स में कैसे बनाते हैं, N2
N2 में दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दूसरे का 7, 7 प्लस 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं N2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, N2 प्लस 1 लिख दूं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? N2 प्लस 1 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? हाँ, N2 के 14 थे, 14 में से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी बचे कितने? 13 बचे, कितने? 13। देन उसके बाद मैंने लिखा N2 प्लस 2। अब N2 प्लस 2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बोलो जल्दी। यस राइट, N2 प्लस 2 में कितने होने चाहिए? 12। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, N2 माइनस 2, O2 माइनस 1, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, CN माइनस 1, CO, C2 2 माइनस, B2, F2। हाँ, अब बोलो इसमें N2 माइनस 1, 14 प्लस 1 है ना, माइनस वन यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उन्होंने, 15 हो गए, ये माइनस टू यानी 16 हो गए, O2 खुद ही 16 होता है, 16 में से एक चला गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 प्लस 8 16, ये 16 में से एक चला गया, 15 O2 माइनस 1 यानी 16 में एक ऐड कर दो, 17 प्लस 2 यानी 16 में से दो निकाल दो, 14 O2 माइनस 2 यानी उसमें और दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितने हो गए? 18 है ना। इसमें एक और एलिमेंट लिखता हूं मैं, अर्गॉन। ओके, यहां पर CN माइनस 1, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 7 14। CN माइनस के इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, समझ में आया क्या? समझ में आया तो थंब दिखाओ जल्दी फास्ट। CN माइनस 1, हाँ, CN माइनस 1 के इलेक्ट्रॉन समझ में आया क्या, कैसे निकाले मैंने? वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन, कार्बन के होते हैं 6, नाइट्रोजन के होते हैं 7, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के होते हैं 6, ऑक्सीजन के होते हैं 8, कितने हो गए टोटल? 14। कार्बन, कार्बन के होते हैं 6, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 2 14, वापस आ रहा है। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 5 प्लस 5 10, 10 होते हैं बोरॉन में। F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9, एटॉमिक नंबर 9। यस समीक्षा, वापस रिपीट करता हूं उसको मैं, F2 9 प्लस 9 18, वेरी गुड। एर्गोन, एर्गोन में कितने होते हैं? एर्गोन में इलेक्ट्रॉन्स 18, वेरी गुड। हाँ चलो, साइनाइड माइनस का मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, बिकॉज ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। वापस एक बार, क्या है ये? डायटोमिक मॉलिक्यूल। वापस एक बार, क्या कहते हैं इनको? डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक, डायटोमिक, डायटोमिक। ये क्या हुआ? मोनो एटोमिक। ये क्या है? डायटोमिक, 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 यानी जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी जिनमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बेटा CN माइनस का अगर लेंगे तो CN माइनस में कौन कौन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है। क्या क्या है इसमें? कार्बन है, नाइट्रोजन है और नेगेटिव चार्ज है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, यानी इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 7। और एक माइनस वन चार्ज है, माइनस वन यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी 6 प्लस 7 प्लस 1, ये इलेक्ट्रॉन ऐड
करना पड़ेगा, ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 14 आ गया 14 आ गया 14. इज दैट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन? हाँ, तो इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है बताओ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक 14N2, इधर लिखता हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर्स, ये 14N2 N2. और कोई है क्या 14 वाला? O2 2 plus, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. CN माइनस इज ऑल्सो वही कैटेगरी में है. CO कार्बन मोनोक्साइड, C2 2 minus के बाद और 14 है क्या किसी में? नहीं. तो ये सभी स्पीसीज एक दूसरे के साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. और ये बहुत ही इजी है. हाँ, कामेश बोल रहा है इट्स वेरी इजी. हाँ, ये कॉन्सेप्ट. हाँ, तो मैजिक क्या बताया मैंने, जब तक आपके दिमाग को पटती नहीं ना कोई चीज कि भाई ये ऐसा है और ये ऐसा ही है, तब तक हाँ मत बोलो. अब 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो ना, इसके आगे जो जिंदगी है ना, मैं सिखाऊंगा कैसे जीना, कैसे जीना है. एटीट्यूड रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव वाला. हाँ, नेगेटिव वाला एटीट्यूड नहीं कि हाँ मैं हूं, ये है वो है ऐसे, नहीं भाई. अगर आपसे मैं, मेरी तो एक ख्वाहिश है, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना बेटा, हाँ, सभी को एक चीज बता के रखी हुई और वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उसको, कि आपको अगर एक चीज आती है ना, तो आपके आसपास या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनको वो चीज आनी चाहिए. बस एक बात याद रखो, आपको जो चीज आती है ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, जो चीज आपको आती है ना, आपके फ्रेंड्स को भी आनी चाहिए. बस इतनी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि कंपटीशन आपकी आपके क्लास में नहीं है. कीप इन माइंड, मेक इट वेरी क्लियर हियर, यहां पर ये बहुत क्लियर करो कि आपकी कंपटीशन आपके क्लास के लोगों के साथ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है. अगर आपको जो चीजें आती है, खूबियां है आप में, कि जब जल्दी समझ जाते हैं, तो बाकी लोगों को उसको पढ़ाओ, बाकी लोगों को उसको पढ़ाओ. बिकॉज वो चीज जब जब आप पढ़ाते हैं ना दूसरों को, वो आपके लिए और ज्यादा इजी बन जाती है. आप उसके शॉर्टकट्स निकाल देते हो और आपकी वजह से आपके फ्रेंड्स को भी वो आने लगती है, तो वो भी आपके लिए दुआएं देंगे. और एग्जाम में है ना, दुआएं बहुत काम करती है. हाँ, साथ साथ पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है बेटा, 99% पढ़ाई करनी पड़ती है, 1% दुआएं काम करती है. तो एक चीज करना है सभी लोगों ने, और आप लोग बहुत हेल्प करते हैं मुझे पता है. यस यस रश्मि, थैंक यू. मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी ने थम्स दिखाया. तो बस एक चीज करना है, आपको जो आता है आपके फ्रेंड्स को आना चाहिए. और मेरे क्लास में ऐसे ही होता है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, अभी आपके ग्रुप में ज्यादा डिस्कशन नहीं चलती है, लेकिन अभी आप एक दूसरे को पता नहीं है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हर रोज पेपर हो रहे हैं बच्चों के, है ना, जो 12th के बैचेस है ना, अभी ऑनगोइंग हर रोज पेपर होते हैं. जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है, 11 से 12 पेपर होता है, 12 बजे उनके आंसर की आते हैं, वो खुद उनका जो आंसर की है वो डाल देते हैं ग्रुप में. और जिन जिन क्वेश्चन में उनको डाउट है, बाद में मैं मेरी आंसर की डाल देता हूँ, जिन जिन क्वेश्चन गलत, जिन जिन लोगों के गलत हो गए, वो क्वेश्चन नंबर डालते हैं और बच्चे ही उनको सॉल्व कर देते हैं. ये वाली चीज है अपने क्लास के ग्रुप्स में, और ये एक्टिविटी चलती है अपने यहाँ पर. हाँ, थैंक यू वेरी मच. ये एक्टिविटी चलती है कि बच्चे ही बच्चों का डाउट सॉल्व कर देते. हाँ, अगर कोई गलत बोल रहा है तो मेरा वॉच है, हर ग्रुप पे मैं देखता हूँ. अगर कुछ गलत बोल रहा है या किसी को एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेनेशन उसमें डाल देता हूँ. लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि बच्चे बच्चों का डाउट सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज आपको खुद को उसको पूछने को भी ज्यादा बुरा नहीं लगता, इतना टीचर को पूछने को आप अकड़ाते हैं, है ना. तो ये चीज हमें करना है बेटा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और 13 इसमें कुछ है क्या? 13 वाला कुछ भी नहीं है. 12 वाला कुछ है क्या? 12 वाला कुछ भी नहीं है. 16 वाले दो मिले मुझे बेटा, 16 वाले दो मिल गए, वेरी गुड. 16 यानी N2 2 minus and O2, ये पहला सेट है. ये दूसरा सेट N2 2 minus and O2, ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. चलो 15 वाले दो मिल गए, ये वाला और ये वाला, N2 minus 1 है, N2 minus 1 और O2 plus 1, ये दोनों, ये 16 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, 15 वाले हैं और ये 14 वाले. देन फोर्थ 18 तीन मिल गए मुझे, 18 वाले. O2 2 minus, F2 और argon. These all species are isoelectronic with each other. किसी ने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं. बेटा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आता है isoelectronic. तो पहले कुछ 3-4 साल पहले डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता था कि ऐसे स्पेसिस देते थे और आपसे पूछते थे कि which among the following is isoelectronic. या वो क्या करते थे, which among the following is isoelectronic.
मैंने इतने स्पेसेस दे दिए आपको, हेलो मैंने इतने स्पेसेस दे दिए आपको, और इनमें से पूछा कि N2 के साथ कितने आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो आप क्या क्या बोलेंगे आंसर? N2 के साथ 1, 2, 3, 4 ये इतने आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। मैंने अगर पूछ लिया कि N2 2- के साथ कौन कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, चार ऑप्शंस रहेंगे, चार ऑप्शन में एक करेक्ट रहेगा, तो उसमें जरूर O2 वाला आंसर आएगा। हाँ, या ऐसा कोई मॉलिक्यूल आएगा, एलिमेंट आएगा, या कोई आयन आएगा कि जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो N2 2-। पहले आपको क्या करना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद N2 2-, ऐसे पूछा, तो पहले N2 2- के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। N2 में होता है 14, 2- यानी 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16। तो फिर ऑप्शंस में जो आएगा 1, 2, 3, 4, उसमें जो मॉलिक्यूल्स आयन्स या एटम्स दिया है, एलिमेंट दिया है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, उनको पहले निकाल लो और कौन कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है पहचान लो। वेरी सिंपल है ना, फोकट के मार्क्स है, फोकट के मार्क्स है, प्लस फोर डायरेक्ट। अब क्या हुआ, ये पिछले तीन साल से पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अभी इसमें क्वेश्चन क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। क्या बात बोले, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल, यानी 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शन जो आएंगे, चार ऑप्शन में चार ऑप्शन तो रहेंगे ही, यानी वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, लेकिन आइसोस्ट्रक्चरल भी चाहिए, यानी जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है। और स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से और ज्योमेट्री से, और वो केमिकल बॉन्डिंग में आने वाला है, जल्द ही आ रहा है, .. कमिंग सून। ओके, सो आई थिंक आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जब कभी आपको कोई मॉलिक्यूल देंगे, पहले उस मॉलिक्यूल के क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और डायरेक्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल देना है। थैंक यू। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, आज आप लोग बहुत खुश हैं, मुझे पता है। जो चीज हमें डिफिकल्ट लगती है, उस डिफिकल्ट चीज को अगर हमने बहुत शॉर्ट या बहुत ट्रिकी बना दिया, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाता है कि नहीं। तो देखो, अगला ट्रेंड पीरियडिक टेबल के प्रॉपर्टीज का हम ले रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। चलो फटाफट एक चीज लिख लो, आपका दूसरा भी लेक्चर है इसके बाद, फटाफट एक चीज लिख लो। मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या बोला मैं, मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। परसों हमने इसका ट्रेंड देखा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाओ, चवन केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसमें इसके पूरे पीरियोडिक टेबल के पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एंड यू विल गेट देयर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो निगेटिविटी। आ गया है कि नहीं मैजिक? हाँ रश्मि, ट्रिक टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर मैंने पीरियोडिक टेबल के यूट्यूब वीडियोस में डाल रखा है, उसको एक बार आप देख लो, एटॉमिक नंबर्स के पूरे ट्रिक्स मैंने डाले हैं उसमें। यस वेरी गुड। मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगी, यानी जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा उतना मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। वेरी गुड, यस इट्स वेरी नाइस, यस यस यस। चलो नेक्स्ट ट्रेंड लेते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, एक ही गोली में चार पंछी मार दिए मैंने। हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, non-metallic character is directly inversely proportional to atomic size,
एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चलो बढ़िया सा ट्रेंड बन गया हमारा एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. बेटा जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है ज्यादा है. पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक साइज के क्या होगा इंक्रीज होगा. एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज होता है वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. हाँ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे. सो हियर इज द ट्रेंड. ये दोनों ट्रेंड आज हो गए हमारे. इसमें एलिमेंट्स दो रैंडमली चॉइस करो पीरियडिक टेबल में देखो आपके पेरेंट्स को बोलो कि पीरियडिक टेबल में से एक पीरियड में या एक ग्रुप में कोई भी चार एलिमेंट दे दो. कोई भी तीन या चार एलिमेंट दे दो और हमें इसके ऑर्डर्स निकालने हैं. इसके मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर निकालेंगे नॉन मेटेलिक के निकालेंगे और ऐसे कम से कम पांच पांच ऑर्डर मुझे निकाल के असाइनमेंट में आज भेज देना है ग्रुप पे. कम से कम पांच ज्यादा से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं. हाँ दस कर सकते हैं. हाँ दस ऑर्डर मुझे चाहिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर के. दस ऑर्डर चाहिए मुझे. दस ऑर्डर कोई भी एलिमेंट चॉइस कर लो. कोई भी एलिमेंट चॉइस कर लो. ओके ओके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज एनर्जेटिक सेशन एंड It is always